नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, लगभग हमारे 150 स्लॉट बढ़ाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुने और बिल्कुल ही सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे आपको डीडी फ्रीडी डीटीएच और सीरियल से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीडी फ्रीडीज की। जी हाँ दोस्तों, डीडी फ्रीडीज की मांग वैसे भी ज़्यादा है मार्केट में और जो है 1 दिसंबर के बाद इसकी मांग अभी से जो है बढ़ गई। जो चैनल्स ने अपने प्राइस बढ़ाने का फैसला लिया है, आप इसकी जो है मांग और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो है आप लोग यही कह रहे हैं कि डीडी फ्रीज अच्छा विकल्प है। इतनी महंगाई में जो है आप डीडी फ्रीज पर एक बार पैसे ख़त्म कीजिए, ज़्यादा वो भी नहीं 1000-1500। उसके बाद में जो है लाइफ टाइम मनोरंजन फ्री रहता है और उसके बाद में जो है डीडी फिश पर चैनल्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और हम आपको बताते हैं डीडी फिश पर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा चैनल्स आने की संभावना बन रही है। जैसे कि जो भी चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें डीडी फिश पर ज़्यादा आने की संभावना बन रही है। जैसे कि गोल्ड माइन की तरफ से 3 से 4 चैनल डीडी फिश पर लाने की संभावना बन रही है और जो है समारोह की तरफ से भी डीडी फिश पर चैनल आने की संभावना बन रही है। ये चैनल जो है खासकर डीडी फ्रीडीज के लिए ही बनाए जा रहे हैं और स्टार नेटवर्क की तरफ से भी जो है आने की संभावना बन रही है और भी ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क हैं, जी नेटवर्क, वाईकोमेट, सेवनी, जो जितने भी नेटवर्क हैं सभी की जो है चैनल्स नए आने वाले हैं, जो कि खासकर डीडी फ्रीडीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और ब्रॉडकास्टर्स भी अपने चैनल्स को जो है डीडी फिश पर ही देना चाह रहे हैं, क्योंकि डीडी फिश पर अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है और अच्छी रेवेन्यू उनको मिल जा रही है। तो प्रसार भारती भी इससे पीछे नहीं रहा है, लेकिन जो है डीडी फिश पर एक ही समस्या बनी हुई है स्लॉट की। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्लॉट आ रहे हैं इस पर डीडी फिश पर चैनल पहले से आ रहे हैं और अब बहुत से चैनल जो है रह जाते हैं डीडी फिश पर आने को। तो प्रसार भारती की तरफ से जो खबर आ रही है उसने जो है तुरंत एक्शन लिया है, क्योंकि डीडी फिश पर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा चैनल जुड़ेंगे और इससे जो है डीडी फिश के दर्शकों को जो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और प्रसार भारती को भी फायदा होगा और जो है उसके बाद चैनल्स को भी जो है फायदा होगा। तो इसमें फ़ायदा ही फायदा है, इसीलिए प्रसार भारती की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही वो नए ट्रांसपोंडर के साथ नए स्लॉट्स को ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, खासकर MPG 2 और MPG 4 में लगभग हमारे लिए 150 नए स्लॉट्स को ऐड किया जाएगा, जिसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी ई एक्शन की जाएगी। सबसे पहले जो है MPG 2 में जो है स्लॉट्स को ऐड किया जाएगा और इसके बाद में जो है MPG 4 में अब जब ज़्यादा स्लॉट्स ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा ई एक्शन होगी और जो भी चैनल हमारे लिए रह जाते हैं आने को वो चैनल आएंगे और बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के और भी चैनल आएंगे, समारो किड्स, समारो बॉलीवुड और जो है ETV बाल भारती, गुब्बारे TV, इशारा TV जैसे चैनल भी आ जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ई एक्शन जब भी हमारे लिए होती तो बहुत कंपटीशन होता है और उसमें बहुत से चैनल जो सबसे ज़्यादा पैसा देता वही आ पाता है, बाकी बहुत से चैनल रह जाते हैं। तो जो स्लॉट हमारे लिए अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो चैनल रह जाते हैं ये भी हमारे लिए डीडी फिश पर जुड़ जाएंगे और आने वाले दिनों में लगभग आप लोगों को 350 से अधिक चैनल डीडी फिश पर देखने को मिलेंगे। इसमें सभी प्रकार के अब चैनल होने वाले हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।